हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं ओल की चटनी जिमीकंद की चटनी बनाने जा रही हूँ। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, स्टमक के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 200 ग्राम जिमीकंद लिया है, जिसको मैंने छील कर साफ कर लिया और टुकड़ों में काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च लिया है, 1 नींबू, नमक और पिसी हुई सरसों या राई इसके जगह में ले सकते हैं, और सरसों का तेल। सबसे पहले जिमीकंद को उबालेंगे, कुकर में डाल दें थोड़ा नमक और पानी डालकर उबलने के लिए चढ़ा दें। 1 सीटी जब लग जाए तो गैस ऑफ करें और कुकर को ठंडा होने दें। जिमीकंद उबल चुका है, ओल उबल चुका है, अब हम इसको पीसकर इसकी चटनी बनाएंगे। 2 मिर्च काट कर डाल दिया है, अब हम थोड़ा सा डालेंगे 1/4 चम्मच पीसी हुई राई। उबालते समय भी नमक दिया था, इसीलिए हम 2 पिंच करीब नमक डालेंगे, कम लगेगा तो बाद में भी डाल सकते हैं। पीस चुका है, इसमें डालें जिमीकंद, एक बार फिर से चलाएं। अब इसमें 2 चम्मच करीब सरसों का तेल डालें, कच्चा तेल डालना है। इस चटनी को बनाने में सब कुछ कच्चा इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आपको पसंद हो तो ऊपर से तड़का भी लगा सकते हैं। लास्ट में आप सरसों और हरी मिर्च चाहे लाल मिर्च को पकाकर ऊपर से तड़का, नींबू का रस, इस तरह से जिमीकंद की चटनी तैयार हो चुकी है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, इसको रोटी पूरी और चावल किसी के साथ भी खाया जा सकता है। तो इसी तरह से आप जिमीकंद की चटनी बनाइए और मेरे रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।